सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाई भारतीय बाजारों को लेकर, जहां पर भारी भरकम गिरावट हमें देखने को मिले भी निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी भी आप लोग देखोगे लगभग 0.5% के करीब टूटा हुआ है, सेंसेक्स में 1.65% के आसपास की गिरावट, और तो निफ्टी के अंदर भी 1.60% के आसपास की करेक्शन है। लगभग निफ्टी 150 पॉइंट के करीब फिसला हुआ। तो कारण क्या है अभी गिरावट का? आईटी सेक्टर मजबूत है, स्मॉल कैप इंडेक्स आप लोग देखोगे, मिड कैप इंडेक्स आप लोग देखोगे, तीनों के तीनों जो मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन कमजोरी कहां पर आई हुई है आपको समझाते डिटेल में, जिसकी वजह से बाजारों में तो ना भी अभी के टाइम दबाव महसूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसको लेकर परेशान नहीं होना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप लोग समझो। सबसे पहला जो सबसे बड़ा कारण है गिरावट का आज के दिन बाजार में, वो LTTS जो स्टॉक है उसके करके LNT टेक्नोलॉजी फाइनेंस लिमिटेड, सॉरी LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के करके, दूसरा जो है वह बजाज फाइनेंस, तीसरा बजाज फिनसर्व। आप लोग देखोगे बजाज फिनसर्व के रिजल्ट्स आज आने हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस जो 8% के करीब फिसला है उसकी वजह से हमें पूरा असर मार्केट पे देखने को मिल रहा है। LTTS आप लोग देखोगे 8-9% के करीब फिसला है, उसके कारण बाजार के ऊपर पूरा असर देखने को मिल रहा है। बजाज फिनसर्व 4-5% के करीब अभी के टाइम फिसला हुआ है, लेकिन रिजल्ट अभी आए नहीं है। अभी ध्यान से सुन लो, बजाज फिनसर्व जो निफ्टी 50 का हिस्सा है वो आप लोगों को 4% के लिए फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन बड़े शेयरों में भारी भरकम गिरावट, रिलायंस इंडस्ट्री भी हल्का फुल्का दबाव में है। तो ये कारण हो गया सबसे पहला मार्केट में दबाव का। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो US मार्केट, कल के दिन जो माहौल जमाते हुए नजर आई थी आप लोग, डाउ जोन्स में गिरावट, S&P 500 में गिरावट थी, नैसडेक में भी काफ़ी अच्छी गिरावट थी। तो इन यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो दुनिया के बाजार हैं, डाउ जोन्स US के बाजार है, वहां पर गिरावट। फिर यूरोपियन मार्केट्स आप लोग देखोगे अभी के टाइम बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं। तो और जो फ्यूचर्स है, डाउ फ्यूचर, नैसडेक फ्यूचर, सभी में जमकर रैली है। देख सकते हो भी नैसडेक फ्यूचर 1% के ऊपर में है, S&P 500 आप लोग देखोगे, S&P 500 जो फ्यूचर है वो लगभग 0.77% के आसपास है, और जो डाउ फ्यूचर्स है ये भी हमें 0.15% के आसपास तेजी में दिखाई दे रहे हैं। तो भी हालांकि जो कमजोरी है वो अभी के टाइम जो सारे ना भाई भारतीय बाजारों के उनकी वजह से आ रही है, ठीक है। बट इसको लेकर परेशान नहीं होना, हल्का फुल्का गिरावट अभी ये हो जाएगा कवर, बिल्कुल परेशान नहीं होना। चलिए एक बार चार्ट देख लेते हैं, वहां पर कोई सपोर्ट वगैरह बन रहा है निफ्टी का या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखो निफ्टी 50 में काफ़ी अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली। यहाँ पर ये आपको कुछ एक चीज़ें मैंने दिखाई, कुछ एक फैक्टर है जिसकी वजह से यहाँ पर बाजार दबाव में है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे सुबह जो इसके अंदर पैटर्न बना था, डबल टॉप का पैटर्न बना जो कि एक बियरिश पैटर्न है, और यहाँ पर ये ब्रेकडाउन का लेवल था भी इसका लगभग 22551 के आसपास, और ये लेवल ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद आप लोग देखोगे कंटिन्यूसली स्टॉक में गिरावट, और उसके बाद अभी के टाइम ये इसका रेजिस्टेंस भी बन गया है भाई, ठीक। उसके बाद जो नीचे में इसका पहला टारगेट था भी निफ्टी का टूटने का, वो इसका लगभग था इस लेवल के ऊपर जो कि 22470 के आसपास है, और जो सेकंड टारगेट रहेगा नीचे में वो रहेगा भी 22388। ये नीचे में आपको जो ना भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है निफ्टी का नेक्स्ट, यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है काफ़ी अच्छी बात। और बाकी आप लोग देखो आज भी HCL टेक्नोलॉजी के रिजल्ट्स हैं, बजाज फिनसर्व के रिजल्ट्स हैं, आज भी अच्छी अच्छी कंपनी के रिजल्ट्स हैं, देखते भी कैसे आएंगे रिजल्ट्स। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि रिजल्ट आते ही सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाए। और आपने देखा होगा कल दिन तो FII वाले भी थोड़ा सा मूड माहौल बिगाड़ते हुए नजर आए थे, उन्होंने भी जो ना जमकर सेलिंग की है। तो ये कारण है भाई आज के दिन बाजार में गिरावट के। लेकिन मैं तो एक बात बोलूँगा, परेशान ना होइए, अभी मार्केट में टिकने का टाइम है, न कि पैनिक जो ना होकर सेलिंग का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।